हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। राम राम, नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मेरा नाम से सोनिया सतारे, आप सारा का घना स्वागत करूं हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चोगरदे के हरियाणा में। तो आज इस बुलेटिन की शुरुआत करांगे एक खबर की गेल्या, वह खबर आप सब ने जाननी बहुत जरूरी है। इस टाइम की ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी जेजेपी नेताओं के प्रोग्राम का किसानों ने विरोध कराया। आपने जानकारी देता जिज्जर था खबर शाम यही से। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स पे भी आड़ किसान आक्रामक हुए नजर आए। किसानों ने कुलदीप वत्स जुमलेबाज और एक्टर बताया। किसानियों बोले कि एक जुमलेबाज दिल्ली में बैठा से, दूसरा जुमलेबाज चंडीगढ़ में बैठा से, तीसरा जुमलेबाज से कुलदीप वत्स है। किसान बोले कि कुलदीप वत्स इस्तीफा दे, किसी नेता ने आड़े किससे भी ब्याह वाणी में नी बढ़न देवांगे। तो आड़े बीजेपी जेजेपी नेताओं के कार्यक्रम का किसान विरोध करण लाग रहे हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स पर भी आड़े किसान आक्रामक हुए नजर आए। ताड़े ये तस्वीर साझा करण लाग रहे से सारे दर्शका इस टाइम, और चोगरदन किसान आक्रामक होते नजर आने लाग रहे से। आड़े जेजेपी और बीजेपी का कार्यक्रम होना था, इन प्रोग्राम का आड़े किसान विरोध करते हुए नजर आए। किसान न्यू भी कह आशा है कि चाहे ब्याह वाणे में भी आड़े बीजेपी जेजेपी के कोई विधायक दिखते हुए नजर आए तो उड़े उनका विरोध करेंगे। सार्वजनिक सम्मेलन से लेकर ब्याह वाणे ताई जड़े भी ये 87 मंत्री दिखेंगे जनता ने, तो ओड़े ये लोग पहुंचेंगे, ये किसान पहुंचेंगे और उनका विरोध करेंगे। तो इन नू भी कह आशा है, एक जुमलेबाज दिल्ली में बैठे थे, दूसरा जुमलेबाज चंडीगढ़ में, तीसरा जुमलेबाज से कुलदीप वत्स। ताड़े किसान पहुंचे उनका छो बीजेपी जेजेपी नेताओं की गेला गेला कुलदीप वत्स पे भी नजर आया। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सारे दर्शकों तक बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अनिल विज की कार दुर्घटनाग्रस्त। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अनिल विज की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूरजपाल अम्मू के घर शोक व्यक्त करने गए थे अनिल विज। एम्स से निकलने के बाद अनिल विज के साथ ही हादसा हुआ। यह अहम और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। जानकारी दे दें कि चेकअप के लिए अनिल विज एम्स गए थे, सुरक्षा कर्मियों ने दूसरी गाड़ी से हरियाणा भवन उन्हें पहुंचाया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अनिल विज की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जानकारी देते सूरजपाल अम्मू के घर शौक जताने गए थे अनिल विज, सांत्वना देने गए थे सूरजपाल अम्मू को। एम्स से निकलने के बाद यह हादसा हुआ है। राजा पटेल ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, मामले में क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी? और बिल्कुल देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि अनिल विज की जो गाड़ी है एम्स के आसपास कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हालांकि अनिल विज को चोट नहीं आई। जो जानकारी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सामने से कहीं ना कहीं टक्कर लगे। जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि अनिल विज पूरी तरीके से सुरक्षित है, और जो सुरक्षा गार्ड है जो आगे पीछे जो गाड़ियां होती है वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। फिलहाल अनिल विज दिल्ली के हरियाणा भवन में कहीं ना कहीं दूसरी गाड़ी से पहुंचे हैं। जी राजा, जिस तरह से ये हादसा हुआ है इसमें अगर गलती की बात की जाए, किसी तरह की कोताही की बात की जाए, तो वो क्या निकलकर सामने आई है? और बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है इस पर पूरी इंक्वायरी कर रही है। सोनिया, मैं आपको बताती हूँ शुरुआती जो जानकारी है और काफी कहीं ना कहीं हम अच्छी खबर कहेंगे कि अनिल विज को चोटें नहीं आई है। अनिल विज ने खुद जानकारी दी है कि मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ और जो मेरे सुरक्षा गार्ड है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है कि अनिल विज पूरी तरीके से गाड़ी के जो एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं सुरक्षित, पुलिस कहीं ना कहीं जाँच जरूर करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ सुरक्षा कर्मियों ने दूसरी गाड़ी से अनिल विज को हरियाणा भवन पहुंचाया। अनिल विज की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और अनिल विज जो है वो सुरक्षित हैं। सूरजपाल अम्मू के घर शोक जताने गए थे अनिल विज। नुके आशा है कि मैं जो गांव में बड़े थे उन बड़न नहीं देवेंगे, बैन ला दिया सा था। बीजेपी और जेजेपी नेताओं का कितने भी कार्यक्रम नहीं होने दिया जा रहा था। तीन तस्वीर आप सबके सामने, इससे पहले कुरुक्षेत्र थे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अजय चौटाला के जन्मदिवस का कार्यक्रम था। इस दौरान बाकी कार्यकर्ताओं ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर जमकर विरोध कराया। दूसरी तस्वीर जज्जर की है, जिधर किसान संगठन ने रखापा ने बीजेपी जेजेपी के नेताओं के कार्यक्रम का विरोध कराया था। तीसरी तस्वीर करनाल से शामी आई है, जिधर करनाल के निसिंग की गौशाला में विधायक धर्मपाल गौंदर का कार्यक्रम था, जिधर किसानों ने विरोध शुरू कराया, जिसके बाद गौशाला संचालका ने जो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। तीन तस्वीर सारे दर्शकों से इस टाइम दिखाने लग रहे सा। इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की ओर रुख लेते, बड़ी खबर, करनाल में फिर फूटा कोरोना बम, तो प्रदेश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी नजर आ रही है। कोरोना के 96 नए केस यहां करनाल से सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 158 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर कोरोना अपडेट तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। और करनाल के 549 एक्टिव मरीज हैं, 549 ही एक्टिव मरीज हो चुके हैं। करनाल में फिर फूटा कोरोना बम, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कोरोना के ग्राफ में फिलहाल यहां बढ़ती हुई नहीं स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कमरजीत ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमरजीत, कोरोना के 549 एक्टिव मरीज यहां मिल चुके हैं और एक बार फिर से यहां कोरोना का बम फूटता हुआ नजर आ रहा है, इसमें किसकी कोताही माने, किसकी गलती माने, प्रशासन की या फिर लोगों की? देखिए, अगर बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 96 मामले करनाल में सामने आए हैं और इसलिए अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोग भी समझने को तैयार हैं। लोग बेहिचक घर से निकल रहे हैं और कोई भी किसी तरह का कोविड के जो नियम उसको पालन नहीं कर रहा। इस टाइम में मैं मार्केट में मौजूद हूँ और किसी भी शख्स ने किसी तरह का कोई मास्क नहीं लगा रहा। इवन जो पुलिस वाले हैं वो भी साइड पे जरूर जा रहे हैं लेकिन उन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा। और इस चीज को लेकर हम खुद इसके लिए जिम्मेदार है और पिछले साल जो मार्च के दिनों में हुआ था कहीं ना कहीं वो दोबारा स्थिति ना बन जाए। अब से इस पूरे मामले को लेकर सबको समझने की जरूरत है। प्रशासन के द्वारा इतना जरूर कहा गया कि 500 रुपए के मास्क के चलान किए जाएंगे, लेकिन जब उनके खुद के अधिकारी या कर्मचारी ही इनको फॉलो नहीं करेंगे तो ये कैसे कामयाब होगा? कमलजीत, ये जो एक्टिव केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें कौन से उम्र के लोगों की ज्यादा संख्या है? क्योंकि कई दिन पहले यहाँ के सैनी स्कूल में भी काफी बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे और इस तरह से जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है वो आंकड़ा कौन सा एज ग्रुप है जो कि लगातार उसे संक्रमित होता नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात करें तो पिछले दिनों सैनिक स्कूल जहाँ काशवा स्कूल जहाँ और भी कई स्कूलों के बच्चे सामने आए थे और इसी के साथ आज भी कई ऐसे ही मामले सामने आए, लेकिन पूरी डिटेल उस हिसाब से नहीं आई। फिलहाल डिटेल में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें हर उम्र के जो लोग हैं इसमें शामिल। और सैंपलिंग जिस दिन सैनिक स्कूल जयपुरपुरा से मामले सामने आए तो उसके बाद भी प्रशासन ने जो सैंपलिंग पेश कर दी थी, चाहे वो कि कुंजपुरा की बात हो चाहे उसके साथ अगर बात करें जहां बैंक कर्मचारी त्रावड़ी से मिले थे वहां से भी उन्होंने सैंपलिंग शुरू कर दी। हर जगह सैंपल लिए जा रहे हैं और इसी के वजह से लगातार अगर बात की जाए तो काफी लोग ऐसे पॉजिटिव मिल रहे हैं और हर उम्र के लोग इसमें शामिल हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कमरजीत ज्यादा जानकारी के लिए। करनाल में फिर फूटा कोरोना बम और 96 आज नए केस सामने आए हैं। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज होती प्रदेश में नजर आ रही है। कोरोना से अब तक 158 लोगों की मौत यहां जिले में हो चुकी है और इसी के साथ कोरोना के 549 एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं। तनू ने किसान भी लगातार बॉर्डर पर डटे हुए से गर्मी का मौसम भी आने लग रहा था। किसान गर्मी तक नटन खातर भी तमाम तैयारी करते हुए नजर आने लग रहे हैं। तैयार बहादुरगढ़ बाईपास पर सेक्टर 13 पर किसान पक्के कमरे बनाने शुरू कर दिए से। दादरी के पातवास गांव की ओर से बनाए जा रहे कमरे पूरी ढाल तय पक्के मकान की ढाल बनाए गए से जो हर मौसम में बखूबी झेल सके से। आंदोलन के दौरान लगाए गए टेंट आंधी की वजह से पाट गए थे, जिसके बाद अड़ पक्के मकान बनाने का फैसला लिया गया। किसानों का कहना था कि वे अपनी मांगा ने लेकर लंबी लड़ाई खातर तैयार है, साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि वे कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले नेताओं का भी विरोध करेंगे। ये मान जा तो बढ़िया है ना, किसान का दुखी हो गया, ये टेंट पार्ट के 10-15 करोड़ का भी नुकसान हो गया, ये पक्के बनाने लग गया। चाहे 10 साल में उठो इतने मादे मांग पूरी नहीं होती, इतना वापिस नहीं जानते, यो मन बना दिया। गांव से ईंटे लाए, इसको ना 20x15 का है जी, ये ऊपर इस पे हम छांद बोलते हैं अपने देसी, वो डालेंगे, गर्मी से भी बचाव कम हो जाएगा। पूरे गांव का इसमें योगदान है,
इधर हम अपने कूलर का जरोखा छोड़ा है जी, कूलर लगाएंगे और जब तक कानून वापसी, इतने हम घर वापस नहीं जाएंगे। फसल हमारे गांव में जो रह गए वो सब कटवाएंगे। कानून ने किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी सर, हर किसान अपने अपने लेवल पर तमाम सुविधाएं और आंदोलनरत किसाना तक पहुंचाते हुए भी नजर आने लग रहे हैं। तो इससे बीच किसाना खातर टीकरी बॉर्डर पर गन्ने का लंगर लगाया गया। दरअसल भी हुआ कि किसान रस निकालने खातर कोल्हू की मशीन लेकर आए, जिसके बाद एक साथ हजारों गन्ने का जूस निकाला जा रहा है और किसाना तक गन्ने का जूस उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान किसाना नु कहा है कि खेत मारा गन्ना मारा, किसान भी हम तब कृषि कानून रद्द करा के ही दम लेवेंगे। किसान यू बोले कि संघर्ष लंबा से जाता है, पक्के आशियाने भी बनाए जा रहे हैं। ये अपने जो दिल्ली वाले बाबा ये ना, उन्हों की सेवा है। ये पेवे वाला बाबा है, उनके साथ सब काम इकट्ठे करते हैं। ये जो सारा सिस्टम है जी, उनका बीजा हुआ है। ये जो गन्ना है ना, ये चौंट गन्ना है, इसीलिए ना ये इसका रंग काला है, इसमें मीठा ज्यादा है। इसमें अपने नींबू ते पुदीना ते काला नमक सारा कुछ इसमें डालकर ना इनकी सेवा करते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया ना, क्योंकि गर्मी में जो हमारे किसान हैं इनको किसी तरह की भी कोई परेशानी ना आए, इसीलिए ना हमारे बाबा जी ने हमको कहते भी हम जहाँ सेवा करते हैं, जब से ये आंदोलन लगा है हम जाही हैं हम दहेज का दान कद ताई बेटियां की जान लेता नजर आवेगा। अहमदाबाद की आयशा ने तो हम भूल नहीं पाए थे कि एक और बेटी जो कि दहेज के चलते अपनी जान गंवा बैठी है। यह खबर पानीपत शामी आई से, अगर आप इस खबर न देखोगे तो आड़े इंसानियत तो शर्मसार नजर आने लग रही है। लेकिन सब तो बड़ा सवाल न्यूज है कि आखिरकार क्यों लोग इतने लोभ भी हो जा सें कि वह किसी की बेटी ने मारण पर उतारू हो जा सें। देखो यार रिपोर्ट। फिर तो जाग्या दहेज का दानव, सफीदों में महिला की मौत, ससुराल पक्ष पे गंभीर आरोप, जहर देने का लग गया आरोप। कब ऐसा है कि औरत के कई रूप होवे से, जब वह पैदा होवे से तब एक बेटी होवे से, फिर बहन, फिर पत्नी और फिर माँ बने से। इस पूरे चक्र में उसने तरह तरह की अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़े से। सफीदों में एक महिला बैंक कर्मचारी की गिल्या ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जिसने सारे तो सोचने में मजबूर कर दिया। जानकारी के अनुसार महिला कर्मचारी की जहर के प्रभाव तो शुक्रवार रात पानीपत के एक निजी अस्पताल में मौत होगी। महिला के परिजन ने पति पर जहर देने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता की शिकायत पर सफीदो थाना शहर पुलिस ने पति सास और ननद पर दहेज खातर प्रताड़ित कर जबरदस्ती जहर दे के मारण के मामले में केस दर्ज कराया है। मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद होगी, नवंबर 2016 थी शायद डेट, चार पाँच छः साल हो गए इसकी शादी को। इन लॉज बहुत दुखी करते थे, पहले डॉरी के लिए बहुत दुखी किया हुआ है और अब मेरी सिस्टर है ये, इसको सुसाइड करना पड़ा। या हमें नहीं पता सुसाइड करा है या उन्होंने मारा है, कुछ नहीं पता, तो ये इसके साथ हुआ। पुलिस से दी शिकायत में परिजना ने बताया कि उसकी बेटी हरप्रीत कौर का ब्याह 1 दिसंबर 2015 ने सफीदो के रामपुर रोड निवासी प्रभप्रीत की गिल्या होया था। उनकी बेटी हरप्रीत और उसका पति प्रभप्रीत दोनों ही पंजाब नेशनल बैंक में लाग रहे थे। ब्याह के बाद से ससुराल पक्ष के लोग उसने दहेज खातर तंग करने लगे थे, दहेज में छुट्टी गाड़ी देने पर ताना मारने लगे थे, जिससे उसकी बेटी मानसिक परेशानी झेलने लग गई थी। ये रात में सानू फोन आया, पता लगा कि भई ये हॉस्पिटल एडमिट है, इतने इतने आए हैं तो जो पहुंचे हैं तो इतने ये डेड हो चुकी थी साड़ी भैन। पता लगा कि मैंने जहर दिता है, तो जहर भी ऐसा था, यदा हसबेंड है, यदि मदर हैगी है मुंडे की, तो यदि दो भैन ने मुंडे दियाँ, एक भैन नाल ही रही इन्हों एक घर के तिना ने चार ने मिल के बड़ा परेशान किया। पांच साल डावरी वास्ती लगातार प्रेसराइज करते कि भाई सानू पैसा दे पैसा दे पैसा दे, उस तो बाद इन्होंने मारना करना मुंडा जो मारता करता माँ की गल के उत्ते आके भैन की गल के उत्ते आके ज़्यादा मारता करता सी। इन्हें बहुत मैंटल टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर सारा सारा किया, हर टाइम तो किया। एक बच्ची अपने आप पी एन बी बैंक मैनेजर सी,
उसके बावजूद भी बड़ा तंग करता सी। बेटी परेशान होकर पिछे परेशान होकर बेचारी अपने घर आ गई, इन्हें अपनी पोस्टिंग चेंज करा ली कि मैं उन्होंने जो मैंने बहुत परेशान किया इस बंदे ने। उस तो बाद फिर यह बंदा आया साढ़े घर कि जी मैं दोबारा रखा कुड़ी बहुत रखागा वधिया तरीके रखागा। बस वो कहेंद फिर इन्हें फिर दोबारा प्रेसराइज करना शुरू करता, मारना शुरू करता। यह बड़ा परेशान करता से उन्होंने फिजिकल मैंटल तौर पर सारा सारा करता से एक तरीके का, तो बड़ा बड़ी बेचारी परेशान हो गई थी। ये दिक्कत साढ़े नाल हुई है। हूँ कल आया तो इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया, एडमिट कराने तो बाद भज गया। असं इतने आया सा नज़र नहीं आया सू, और जब इस हॉस्पिटल वाले जो फोन कर रहे हैं फोन स्विच ऑफ पे है, सिटी फोटो तो हॉस्पिटल तो मिल जाएगी उस बंदे की। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि हरप्रीत का पति अपनी पत्नी ने पानीपत अस्पताल में एडमिट करा कर गायब हो गया था, जिसके बाद कई बार उससे फोन भी करा गया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया न ही फिर वो वापस लौट कर आया। बाद में विवाहिता के मायके पक्ष ने इसकी सूचना मिली तब अपनी बेटी ने देखने खातर अस्पताल पहुंचे, तब जब ताई जहर का असर महिला के शरीर में फैल चुका था और उस असर से महिला की मौत हो चुकी थी। बीते दिनों अहमदाबाद की आयशा ने भी दहेज के चलते खुदकुशी अपने गले लगा ली थी, जिसके बाद यह सवाल बार बार मन में आ रहा था कि दहेज के चलते और कितनी नारी से जिन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। सफीदों की हरप्रीत की मौत ने फिर तो सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिर यह दहेज का दानव कितने दिन तक इन मासूम लड़कियों की मौत की आग में नुमें उन्हें झोंकता रहेगा। आखिर कद तई महिलाएं यूं ही जलाई जाती रहेंगी या फिर उन्हें खुदकुशी करने खातर मजबूर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। तो चौगरदन कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी से वैक्सीनेशन ने लेकर लोगों के बीच में भ्रांति भी से जिन्हें दूर करने खातर जो अधिकारी से या फिर जो मंत्री से वह अस्पताल में पहुंचण लाग रहे से, तो इससे बीच कोरोना के प्रति लोगों ने जागरूक करने खातर और वैक्सीन के बारे में बताने खातर सरकार और प्रशासन जुटिया होड़ से। इस कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री रतलाल कटारिया जुंडा डिस्पेंसरी पहुंचे और कोविड वैक्सीन लगाने वाले से बातचीत करी और केंद्र का निरीक्षण कराया। वही कटारिया ने कहा कि कोविड ने लेकर सरकार लगातार काम कर रही से भारत तो वैक्सीन तो कई देश जो सैम सीखने लाग रहे से उन्हें 15 मार्च ते वैक्सीन डे पे ज्यादा से ज्यादा लोगों ते वैक्सीन लगाने की अपील करी। बोले कि 15 मार्च ने प्रदेश में 1,00,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य से। कटारिया ने पूर्व सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बजट ते खुदा पढ़ लिखड़ा चू या बताने पे उन्हें कहा से हुड्डा ही डगमगा चुके से, उनका अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका से। मनोहर सरकार का बजट हरियाणा ने प्रगति की राह पे अग्रसर करने वाला से। बजट ने लिए लेकिन लोग भी अपने रिएक्शन देने लाग रहे से और जो मंत्री सब वो भी अपने रिएक्शन देते नजर आने लाग रहे से। इससे बीच शनिवार ने कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी के दौरे पर पहुंचे जड़ा उन्होंने बजट ने लेकर रिएक्शन दिया। बजट की तारीफ करते हुए बोले किसमें तो हर वर्ग का ध्यान रखा गया से, बजट में स्वास्थ्य कृषि प्रदेश के विकास घना तो घना महत्व दिया गया से। साथ ही उन्हें कांग्रेस पर निशाना साधा, न्यू बोले कि अविश्वास प्रस्ताव थे कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी से। बजट में आपने भी देखा हर विभाग का और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, और जिस तरह से एजुकेशन पे, शिक्षा स्वास्थ्य पे और कृषि पे काफ़ी जोर दिया गया है, क्योंकि देखो कृषि हमारा आत्मनिर्भर, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो कृषि पर स्वास्थ्य भी बहुत एक बड़ा हमारा वो है, क्योंकि जब तक हमारा नागरिक स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम विकास नहीं कर सकते, तो स्वास्थ्य की तरफ भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। इसी तरह एजुकेशन 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों तक एजुकेशन फ्री की गई है, बहुत से हर विभाग में हर विभाग का ध्यान रखा गया। बजट बैलेंस है और विकास की तरफ ले जाएगा प्रदेश। तनूना कालावली पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के मामले में मनरेगा मजदूरों ने हल्ला बोल दिया से, उन्हें विरोध प्रदर्शन कर मनरेगा मजदूरों का न्यू कहना से अख उन्हें थाने में शिकायत दी थी। एक गांव के एक व्यक्ति ने एक मनरेगा मजदूर महिला तय अभद्रता करी से, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कराया से, जिस पर ईब ताई कार्रवाई नहीं हुई से। इस दौरान मनरेगा मजदूरों ने रोड जाम भी कराया। असि जी काम करते सरेगा का सरकारी काम च लगे सा,
ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੋੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ गुरुग्राम नगर निगम की ओर से जो दुकान लीज पर दी गई थी वह सील करी जाएंगी। जानकारी दे दें कि दुकानों की संख्या से 1053 जताई प्रदेश सरकार की ओर से एक पॉलिसी तैयार करी जा रही है। हालांकि पहले भी इस बारे में एक पॉलिसी तैयार करी गई थी लेकिन इसमें कई डाल की खामियां होने के चलते लागू नहीं कराया जा सकया। इब संशोधन के बाद ये लागू होगी और उसके बाद गुरुग्राम में नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य निकायों के अधीन सरकारी दुकान भी बेची जा सकेंगी। कुरुक्षेत्र के पारलू गांव में मारकंडा नदी का दौरा है। पुराने बम के शेल पाणते चोगरदन हड़कंप मच गया और इससे बीच पुलिस ने मामले की जानकारी दी। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाका फिर सील कर दिया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जो वस्तु बम की डाल लागण लाग रही है एक्सपर्ट जांच के आधार पर कुछ कही आ जा सकेगा कि ये कड़ा इस्तेमाल करे गए अड़े क्यों पहुंचे। बता दें कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मिले शेल ने डिफ्यूज करते हुए एक शेल में ब्लास्ट हो गया था जबकि दूसरा शेल पुलिस ने कब्जे में ले लिया और जिस टाइम ब्लास्ट हुआ उस टाइम उस बम के अलावा दौरा कोई भी नहीं था। अभी आज हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि मारकंडा जो नदी है उसके अंदर ऐसे बमनुमक वस्तु है और अभी आगे हमने देखी है तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बमनुमा वस्तु है और अभी हम बम डिस्पोजल टीम से भी संपर्क किया है, उनसे भी संपर्क करके उनको भी अभी जानकारी दे दी गई है और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि साथ में एरिया जो मारकंडा का एरिया ये अम्बाला क्षेत्र में पड़ता है वहाँ के एसएचओज को भी हमने कम इन्फॉर्मेशन दे दी है और जैसे भी होगी उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई। जी मैंने जब देखा है तभी ये आए हैं और उसके साथ साथ हमने जो देखा है उसी ये काफ़ी जंग लगी हुई है और काफ़ी पुरानी है और अपने हिसाब से मतलब अभी उस अवस्था में नहीं है कि एकदम कोई। और एक बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर दे, बड़ी खबर जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है, एपीएमसी कानून में संशोधन के लिए कमेटी गठित की गई है। यह बड़ी खबर जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है, विधानसभा ने विधायकों की कमेटी गठित की है, एपीएमसी में किस तरह से संशोधन हो इसको लेकर कमेटी गठित की गई। सेक्शन 8A में सब सेक्शन 7 और धारा 42 के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर, संशोधन के बाद विवाद को सिविल कोर्ट से सुलझाया जा सकेगा। यह अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। सी मनोहर लाल ने सदन में कमेटी बनाने की घोषणा की थी, कमेटी में 5 विधायकों के नाम शामिल किए गए हैं और आपको जानकारी दे दें बजट सत्र के दौरान ही ये कमेटी सुझाव देगी। एपीएमसी कानून में संशोधन के लिए कमेटी गठित की गई है और इस कमेटी में 5 विधायक शामिल किए गए हैं। विधानसभा ने विधायकों की ये कमेटी गठित की है। यह अहम खबर, महत्वपूर्ण जानकारी तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। जानकारी दे दें सेक्शन 8A के सब सेक्शन 7 में संशोधन को लेकर यहां बात होगी। धारा 42 के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो प्रावधान है उनमें भी संशोधन को लेकर यहां चर्चा की जाएगी। एपीएमसी कानून में संशोधन के लिए कमेटी गठित की गई, विधानसभा ने विधायकों की एक कमेटी गठित की है। यह अहम जानकारी तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। सेक्शन 8A के सब सेक्शन 7 सेक्शन 42 में हो सकता है संशोधन। धारा 42 के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद जो है वो सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर और संशोधन के बाद इस विवाद को सिविल कोर्ट से सुलझाया जा सकेगा।